बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तभी मिस्रियों के लिए मैं चाय लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये सुबह वाले चाय नहीं है, ये 2 बजे वाले हैं, ठीक है, खाने के बाद वाले। तो ये भी उनको लेके जाते हैं, थर्ड फ्लोर पे वो लोग वाइट सीमट कर रहे हैं, सफ़ेद सीमट, जिससे प्लस्तर मजबूत हो जाता है। और देखिए प्लस्तर कम्प्लीट हो गया है, कम्प्लीट फुल, देखिए वो वाला भी हो गया, ये वाला भी, ठीक है। रूम में फर्श भी डाल दिया है, वो भी आप लोगों को दिखाया था। ये रूम का फर्श कम्प्लीट, इस रूम का भी और इसका भी। और बरंडे में टेल लगेगा, वॉशरूम वगैरह में, लेकिन रूम में नहीं लगाया क्योंकि रूम में वैसे भी कारपेट वगैरह होता है, फर्श नज़र ही नहीं आता, ठीक है। और प्लस्तर कंप्लीट, इस साइड वाला भी, रूम्स वाला भी, किचन वाला भी, ठीक है, वो वाला भी हो गया। अभी मिस्त्री लोग ऊपर जो है वो वाइट सीमेंट कर रहे हैं, ये वाला सीमेंट जो पड़ा है। तो अभी ये चाय उनके लिए लेके चलते हैं, लेकिन इस सीढ़ी पर हमने चढ़ना है ऊपर। अच्छा, इस वक्त मेरे पास स्टैंड वगैरह कोई नहीं था जिसमें मैं मोबाइल लगा रहा था, तो जल्दी जल्दी से मैंने फ़ोन को ना एक ईंट के ऊपर रख दिया। और मेरे जहन में यही चल रहा था कि भाई फ़ोन अगर गिर गया और नीचे जाएगा और टूट जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क ले लिया है क्लिप बनाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लिप हमारा बहुत ही अच्छा बन पाया। चाय मैंने उनको पकड़ा दी, यहाँ पे मैं लेके चला गया, अब्बू को दे दी। अभी नीचे काम है वो करता हूँ, फिर चलते हैं ऊपर। नीचे मैं इस चीज़ के पीछे आया था क्योंकि इसी से शॉट्स वगैरह लेंगे ना, तो मेरे पास जो है ना तरमास था और कप वगैरह थे चाय के, तो उसके साथ तो मैं ये नहीं पकड़ पा रहा था, मैंने कहा इसके पीछे फिर आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर, वहाँ से स्टार्ट किया है। और ये देखिए ये सारा हो गया, देखिए इसके बाद पेंट होगा, जब ये कंप्लीट होगा, डोर्स वगैरह लगेंगे, यहाँ पे फर्श वगैरह डाली जाएगी, हर चीज़ होगी उसके बाद। और ये जो वॉशरूम के पाइप वगैरह जाएंगे नीचे, तो उसके लिए सामान ले आए हैं। यहाँ से ये जो पानी जा रहा है ना, देखिए इसकी वजह से पूरा छत गीला है। और इसकी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊँ ना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अक्सर क्या होता है कि लाइट नहीं होती ना, तो फिर मिस्त्री जो है वो इसी पाइप से पानी लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं ना, मोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसके ज़रिए ही फिर वो बाल्टियाँ वगैरह भरते हैं। तो उस दिन उसको जो ऐसा किया है ना, तो इधर से टक करके इसका जो वाल था ये टूट गया, ठीक है। अब 2-3 दिन हो गए इसको, मैंने प्लास्टिक वगैरह से बांध दिया, लेकिन फिर भी पानी इसका जा रहा है, ठीक है। और वाल इसलिए चेंज नहीं किया कि उसके लिए अलग से फिर प्लम्बर बुलाना था, और 1-2 दिन में वैसे भी टेंकी जो है वो ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे, इसके साथ एक और टेंकी भी लगाई जाएगी। लेकिन इससे ये काम है कि भाई देखो 3-4 दिन हो गए कि इससे पानी जा रहा है, एक तो टेंकी बहुत जल्द खाली हो जाती है और पूरा फर्श गीला पड़ा है, ठीक है, पूरा छत। और वहाँ पे एक मिस्त्री लगे हुए हैं ऊपर जो है वाइट सीमेंट कर रहे हैं, और बाकी 2 चले गए यहाँ पे जो शेल्फ डाली जा रही है उसके लिए सामान वगैरह लेके आ रहे हैं। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिशियन भी आ जाएगा, बिजली की जो फिटिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगी, और प्लम्बर कल आ जाएगा, तो टेंकी वगैरह और सारा सब कुछ ऊपर लेके जाएंगे, सेट करेंगे। इस मौसम में धूप में बैठने का कुछ अलग ही मज़ा है, लेकिन एक काम 5-10 मिनट बंदा धूप में बैठ जाए ना, तो बस सोने को दिल करता है, थकावट सी हो जाती है। और आज के शॉर्ट से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना है, मुझे दीजिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।